हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में हैं। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम से। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का और जनरली स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस चैप्टर का एक समराइज करके अगर हम बोलें तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि कब, कैसे, किस चीज़ को हमको एलिमिनेट करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। बस कुल मिला के इस चैप्टर में तुमको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ थियोरेटिकल पोर्शन पहले हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए क्या हुआ था, एरेनस ने कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ थियरी यहाँ पर लिखता हुआ भी चलता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो टू एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ फैक्ट्स लाइक, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, मान क्या लेते हैं, है यही चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टेंस, या फिर कैसे आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एरेनस जो था, एरेनस प्रोवाइडेड अ थियरी, एरेनस ने एक थियरी प्रोवाइड करी, एरेनस प्रोवाइडेड अ थियरी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, या तो हम उसको थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं और थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो एरेनस ने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। कुछ पॉस्टुलेट्स थे इसमें, उन पॉस्टुलेट्स को अगर हम देखते हैं तो पॉस्टुलेट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे। भैया उसका पहला कहना था कि व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट, भले ही वो एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो, तो उसका क्या कहना था कि इट ब्रेक्स, और इतना केमिस्ट्री तो हम लोग जानते ही हैं, 9th 10th में भी पढ़ा है हमने, इट ब्रेक्स इनटू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्या नाम से जानते हैं, एनायंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको तुम क्या बोलते हो, कैटायंस। ये जो ब्रेकिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, या फिर और आसान भाषा में अगर हम बोले तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो ये एक बेसिक सा पॉस्टुलेट था इसका, और पॉस्टुलेट देखते हैं इसमें। सेकंड देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो आयंस बनते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्जेस, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्जेस आर सेम, देयरफॉर ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये हमेशा कैसा रहेगा, न्यूट्रल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल। सिंपल बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम किसी इलेक्ट्रोड की हेल्प से पास करेंगे, तो जो जैसे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और वहां जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब वहां जाके वो न्यूट्रल फॉर्म में फिर से मिल जाएगा हमको। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको हम लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन सच एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देन द आयंस एक्सेलरेट, देन द आयंस एक्सेलरेट टूवर्ड्स
अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स एंड आर डिस्चार्ज्ड, और वहां जाके ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्यार से, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सुना होगा ये नाम कई बार आप लोगों ने, ठीक है। अब ये जो आयंस हमको मिले हैं, ईच ऑफ द आयंस ऑब्टेन्ड कॉलिगेटिवली, दे बिहेव एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी बताया था आपको कि ये न्यूट्रल फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड ईच इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक्सप्रेसेस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बाई चांस पूछ सकता है, इतनी कोई ज़्यादा चांसेस इनकी नहीं है। तो अब सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए कि ए भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट करेगा अपने आयंस में, ए प्लस और बी माइनस इस तरीके से। तो ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन, और जब आयंस का एसोसिएशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएशन। तो बेसिकली ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसमें इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होता है, आयोनाइजेशन और एसोसिएशन के बीच में होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू वाटर, इट गिव्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड व्हेन द रेट ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन, व्हेन रेट ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आयोनिक इक्विलिब्रियम हम किसको बोल सकते हैं, जब हमारा रेट ऑफ आयोनाइजेशन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ एसोसिएशन के बराबर हो जाए। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। तो उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेते हैं, जो कि हमारे काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है NaCl, तो NaCl जो है वो आयंस में कैसे जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब क्योंकि ये चार्जेस बन रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, 1/4πε0 k, Q1 Q2 r2। तो यहाँ से हम बहुत इजीली ये तो डिड्यूस कर ही सकते हैं। अब देखिए मैंने डिड्यूस क्यों करवाया, ये अभी काम आएगा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अल्फा को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो पहला फैक्टर तो भैया देखो यहीं पर दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फैक्टर। तो यहाँ पे हम पहला फैक्टर लिख सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसे हमारा एक फैक्टर हुआ, जितना ज़्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, किसका, मीडियम का, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, लेसर विल बी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही कम होगा अमंग आयंस। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो देयरफॉर इट विल बी ईजियर फॉर आयोनाइजेशन, तो इसका आयोनाइजेशन आसान हो जाएगा। एंड अब आयोनाइजेशन आसान हो गया तो अल्फा क्या होगा, कम या ज़्यादा, एंड अल्फा विल बी हायर,
देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है मतलब ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, अब ये हमारा पहला फैक्टर हो गया जो अल्फा को इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो चीज़ डिसोसिएट हो रही है उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अब ये हम जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अल्फा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 माना जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट पड़ ही रहा है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अब स्ट्रॉन्ग हम किस किस को मानते हैं, सारे सॉल्ट्स, देखो सॉल्ट कहीं से भी आया हो सारे सॉल्ट्स को क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। कहने का मतलब जब भी कभी तुमको कोई सॉल्ट दिखे या स्ट्रॉन्ग एसिड दिखे या स्ट्रॉन्ग बेस दिखे, आंख बंद करके उसका 100% डिसोसिएशन तुमको कराना है। 100% डिसोसिएशन का मतलब वो वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर क्या आ जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, वीक एसिड और वीक बेस, तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ आ जाएंगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो हमको इसी चीज़ का बस ध्यान रखना है कि इसके लिए रिवर्सिबल होंगी रिएक्शंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, KCN लिख दिया, H2S, C6H6, NH3 और NaOH। अब इसमें मुझे पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए KCN सॉल्ट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। H2S ये क्या है, वीक एसिड, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। C6H6 ये तो बेंजीन हो गया भैया, तो बेंजीन तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हटाओ इसको, धोखा है ये हमको बीच में मिल गया। NH3, NH3 क्या हो गया तुम्हारा, वीक बेस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों की जो रिएक्शंस होंगी वो तुम्हारे पास रिवर्सिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट कर जाएंगे, तो इनको इक्विलिब्रियम में नहीं लाया जा सकता, सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन ये नहीं है कि इनका फिर इफेक्ट खत्म हो गया, ये अभी हम आगे देखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट में बहुत सारे परेशानियां डाल सकते हैं। देखो केमिस्ट्री में एक सिंपल सा कंसेप्ट तो तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा, वीक से, या जैसे वीक एसिड है तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ की रिएक्शन कभी फिजिबल नहीं होती हैं, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ की रिएक्शंस कभी फिजिबल नहीं होती हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो उसमें तुम बेसिकली ये डायरेक्टली चेक कर सकते हो, अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो उसी का एक छोटा सा हिंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। देखिए HCl ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। अब इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, तो लगभग इसका जो K होता है वो कितना, इनफाइनाइट। के इनफाइनाइट आने का मतलब एच प्लस और सी एल माइनस से एच सी एल बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि के इन्फिनिटी है और रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे तो 1/K हो जाएगा, 1/∞ विच इज 0, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो ये किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। जैसे सेकेंड अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं। देखिए वीक है मैं जानता हूँ, तो मैंने पहले से इसमें रिवर्सिबल का साइन लगा दिया है। इसका जो K होता है, K A बोल लो चाहे उसको, वो तुम्हारा 1.8 × 10⁻⁵ होता है, एक जनरल वैल्यू है, लगभग इतना ही रहता है ये। तो इस केस में K इन्फिनिटी नहीं है, तो तुम 1/K अगर करोगे तो 1/K पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसके तो होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती है, मतलब इक्विलिब्रियम बनाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। चलो तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट को एक बार ही समझ जाइए, पूरे चैप्टर में ये काम आने वाला है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, CH3COOH। तो CH3COOH के बारे में तो हमने भैया अभी देखा कि ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट करेगा इस तरीके से एसीटेट आयन में,
तो अब अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली मान लेता हूँ सी है, तो ये प्रोडक्ट है ये ज़ीरो होगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया उस पॉइंट पे ये सी अल्फ़ा डिसोसिएट कर गया, तो ये सी अल्फ़ा बनेगा और ये सी अल्फ़ा बनेगा, ये सिंपल हमारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो इसी में अब हम अगर आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या करा, सेकेंड स्टेप में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा HCl, कितना मान लेते हैं A अमाउंट का डाल दिया। अभी हम आगे देखेंगे ये मोल्स प्रेशर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, खैर केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो HCl भैया क्या है, HCl तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब अगर टी इक्वल्स टू जीरो पे ये ए था, ये जीरो, ये जीरो, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ये जीरो और ये ए और ये ए हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, सेम ही कंटेनर में यहाँ से भी एच प्लस आ रहा है और यहाँ से भी एच प्लस आ रहा है, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये तो पूरा डिसोसिएट कर रहा है, मतलब यहाँ से अच्छी खासी अमाउंट में एच प्लस आ रहा होगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ले जेटलिया प्रिंसिपल पढ़ा ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करने लगा, मतलब प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ले जेटले प्रिंसिपल क्या बोलता है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अल्फ़ा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो मैं एक नया अल्फ़ा ले लेता हूँ, उसको अल्फ़ा डैश बोल देते हैं आपकी बारी। तो यहाँ पे हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि जो पहले अल्फ़ा था वो जो नया अल्फा डैश आ रहा है, ये अल्फा डैश और अल्फा में रिलेशन अगर हम निकालें तो पहले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा था, अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो चुका होगा क्योंकि कॉमन आयन की वजह से प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। और ले चैटले प्रिंसिपल बोलता है कि प्रोडक्ट में अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो रिएक्शन को जाना पड़ेगा भैया पीछे। तो रिएक्शन का पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि ये पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था, अब ये और कम डिसोसिएट हो रहा होगा। तो ऐसे जो वीक एसिड्स होते हैं इनको हम क्या बोलने लग जाते हैं फिर, इनको हम बोलते हैं कि दे आर फीबली और वीकली आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। सिंपल बात है, समझ में आ रहा होगा क्या होता है ये कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे इसी पे एक सवाल पूछा जाए, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि व्हाट विल बी दी इफेक्ट ऑन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन व्हेन सोडियम बेंजोएट इज एडेड टू इट। मान लीजिए कि एक सिंपल सा सवाल हमसे इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो देखिए बेंजोइक एसिड क्या हो गया, C6H5COOH, ऑर्गेनिक एसिड है वीक ही होगा, C6H5CO- और H+ में डिसोसिएट कर गया। फिर ये बोल रहा है कि सोडियम बेंजोएट ले लिया, तो सोडियम बेंजोएट इज दिस, तो देखिए क्लियरली ये सॉल्ट दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो सॉल्ट हमने क्या बात करी, सॉल्ट्स जो भी होंगे वो कैसा भी सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट हो, किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाओ, सारे के सारे सॉल्ट हमेशा क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इधर और इधर ये कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, एक ही सॉल्यूशन में सेम आयन्स, तो इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उस वजह से रिएक्शन कहाँ जाने की कोशिश करेगी, पीछे। रिएक्शन पीछे जाने का मतलब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अब अगर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कम हो रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ पीएच की, पीएच इज माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, अब एच प्लस अगर कम हो रहा है तो जो पीएच है हमारा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में हमारा पीएच की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है ए बी, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको दे रखा है सी मोल्स पर लीटर, ठीक, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है और मुझे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे रखा है अल्फा।
तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहा है इस तरीके से, ए प्लस प्लस बी माइनस। तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ये कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो सी माइनस सी अल्फ़ा, तो ये सी अल्फ़ा बना होगा और ये सी अल्फ़ा बना होगा। अगर मैं इसके लिए के लिखता हूँ तो के में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ से क्लियरली सी कैंसिल हुआ अपना एक, ठीक है, क्या बचा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब जो मेन इस रूल की खासियत है या इस लॉ की खासियत है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन वन। अब ये वेरी वेरी लेस देन वन का क्या मतलब है, ये अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 0.01 से कम होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा। तो इधर से मेरे पास के क्या आ गया, अगर मैं अल्फ़ा को 1 से बहुत छोटा मानता हूँ तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, तो के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो के अपॉन सी आया। अब सी क्या था, सी इसका कॉन्सेंट्रेशन था, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो वी होता है, ये वी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है सी, तो वी ऊपर चला जाएगा और वी क्या होता है हमारे पास, वी इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कुल मिला के यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि अल्फ़ा स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट डिपेंड्स ऑन या इट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है बस यही हमारा क्या होता है, ऑसवाल्ड्स लॉ। एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रहे, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसको कहीं पे भी यूज़ करते हुए मत फिरना, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये जैसे के पढ़ते आ रहे हैं अपन अभी, के ए के बी, के ए एसिड के लिए होता है, के बी बेस के लिए होता है, उसी तरीके से आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू से, ठीक है। अब वाटर के बारे में बात कर लें, वाटर एक बहुत ही वीकली आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो प्योर वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, इस तरीके से H2O किस में डिसोसिएट करेगा, H प्लस और OH माइनस, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, तो इधर से H3O प्लस OH माइनस, दोनों एक ही बात है। तो इस रिएक्शन के लिए मान लेते हैं कि ये K है, तो इसके लिए अब मैं अगर K की वैल्यू लिखता हूँ फॉर फर्स्ट रिएक्शन, तो वो क्या लिखा जाएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। दिस इज प्योर वाटर, तो ये वैसे भी वन आने वाला है, प्योर वाटर और इन सब के लिए एक्टिव मास जो होता है वो कितना होता है, प्योर वाटर हुआ, सॉलिड हुआ, इन सब के लिए एक्टिव मास इज वन। तो उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि मैं H2O को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये वैसे भी अल्टीमेटली वन होने ही वाला है। तो ये जो अब मेरे पास पूरा एक प्रोडक्ट आ रहा है इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, KW। तो मेरे पास KW क्या आ गया, इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर हम आगे बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर इन एनी एक्वस सॉल्यूशन और इन प्योर वाटर, तो ये जो प्रोडक्ट है H प्लस और OH माइनस का, ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूम टेम्परेचर होता है,
उस पे हमारा के डब्ल्यू कितना होता है, 10^-14। ठीक है, अब मान लीजिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाती है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लॉग के डब्ल्यू टू अपॉन के डब्ल्यू वन। डेरिवेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका, फॉर्मूला ध्यान रखें, 2.303 R T2-T1 अपॉन T1 × T2। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का टेम्परेचर डिपेंडेंसी में। तो यहीं पे कुछ पॉइंट्स आपको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डेल्टा एच कैसा रहेगा इधर, पॉजिटिव। तो अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो क्लियरली मेरा जो के डब्ल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो के डब्ल्यू इंक्रीज कर रहा है। के डब्ल्यू इंक्रीज करने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के जाने की पॉसिबिलिटी और बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक होती है, और ले चैटलियर प्रिंसिपल में हम जानते हैं कि एट हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, के डब्ल्यू इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू 10^-14 है, और अगर हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे न्यूट्रल रहता है, तो न्यूट्रल के केस में H- और जो OH- है उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर होगा तो के डब्ल्यू 10^-14 है, तो ये दोनों बराबर होके किसके बराबर आ जाएंगे, 10^-7। तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी पे, उन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये सवाल है अपना, पढ़ लें इसको एक बारी, मैं बोल भी देता हूँ। ग्लूकोज सॉल्यूशन विच डज नॉट इफेक्ट एनी लिटमस पेपर हैज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10^-5 mol/L। कैलकुलेट के डब्ल्यू फॉर वाटर। तो पहला पार्ट करते हैं फटाफट। के डब्ल्यू हमको पता है क्या होता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो तो स्टेटमेंट इसने लिखी है कि डज नॉट इफेक्ट लिटमस, इसका मतलब भैया ये क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के लिए तो एक ही नेसेसरी कंडीशन है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- के बराबर होना चाहिए। तो ये भी हो गया 10^-5 mol/L। तो इसका मतलब ये भी 10^-5 और ये भी 10^-5, तो के डब्ल्यू हमारा आ गया 10^-10। काफ़ी सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्योंकि नॉर्मली के डब्ल्यू कितना होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका के डब्ल्यू है वो कितना है, 10^-14, मतलब 1/10^14, और यहाँ हो गया 1/10^10। तो क्लियरली इसको मैं के डब्ल्यू वन बोल देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। तो क्लियरली के डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन के डब्ल्यू, तो मतलब हमारा के डब्ल्यू यहाँ पे इंक्रीज करा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऐसा सिर्फ किस केस में हो सकता है, अगर टेम्परेचर क्या करा हो, इंक्रीज करा हो। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इफ टी इज ग्रेटर देन 25 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केसेस बनाकर पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला केस हम पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, तो आप उनको देखते हुए चलिएगा। टेम्परेचर मैं 25 डिग्री सेल्सियस ही मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे के की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आता है तो आप हमेशा कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करिए, NC-अल्फा। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमको दे रखा है 10^-4 molar HCl। ठीक है, तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे NC-अल्फा, मतलब मुझे अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NC-अल्फा से निकाल सकता हूँ। N होता है N फैक्टर विच इज़ 1 हेयर, C होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो हमको दे रखा है 10^-4। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है 1, तो ये कितना आया, 10^-4 molar, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर -4 विच इज 4। तो ये पीएच कितना हो गया अपने पास, 4 हो गया। सिमिलरली मान लीजिए 10 टू द पावर -4 मोलर H2SO4 दे रखा है, तो इधर से अब अगर मेरे को H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फिर से एन सी अल्फा, लेकिन अब की बार एन फैक्टर इज 2, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, अल्फा विल बी 1 बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास, 2 × 10⁴। तो इधर जब पीएच निकालोगे तो माइनस ऑफ लॉग कितना रखेंगे आप, 2 × 10⁴। तो ये जो एन फैक्टर है इसको ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो एन फैक्टर वाला कंसेप्ट है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं जो लेने जा रहा हूँ, देखिए अगर इस टाइप से जो हमारे पास वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ही हमको काफ़ी कम दे दिया जाए, जैसे कि लेट से तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 10 टू द पावर -7 मोलर HCl। अब ये तो बर्बादी वाले काम है, क्योंकि देखिए इधर क्या होगा, इधर अगर आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन एन सी अल्फा से निकालते हो, N1 कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 α1, ठीक है, ये आ गया 10 टू द पावर -7। अब अगर मैं इसको पीएच में रखता हूँ तो माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर -7 विच इज 7, और pH 7 आने का मतलब ये तो न्यूट्रल वाला चला गया भैया, और HCl तो हम जान रहे हैं कि एसिड है। तो ऐसे केसेस में फिर क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है, यू विल अज्यूम कि जो वाटर है जो कि वीकली आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, आयोनाइज कर रहा होगा। तो मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आयोनाइज करने के बाद यहाँ से जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आता है मेरे पास, वो कितना आ रहा है, A आ रहा है। तो अब जब अपन पीएच निकालने जाएंगे तो हम पीएच किस तरीके से निकालेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये आ गया हमारा कॉमन आयन इफेक्ट वाला सवाल, ठीक है। तो अब मुझे जो H+ का टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, उसमें 10 टू द पावर -7 जो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आया था, प्लस ए हमको लेना पड़ेगा। तो अब हमको निकालनी पड़ेगी ए की वैल्यू, और अब हमारे पास डेटा तो इतना है नहीं, लेकिन आप ध्यान दो तो मैंने टेम्परेचर स्टार्टिंग में आपको बताया था कितना लेकर चल रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास के डब्ल्यू का डेटा है ना, ये होना चाहिए 10 टू द पावर -14, और ये होगा H+ और OH- के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब टोटल H+ हो गया 10 टू द पावर -7 प्लस ए, और OH- कितना है, ए। तो यहाँ से मैं बहुत इजीली क्या कैलकुलेट कर लूँगा, ए की वैल्यू, और जब ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो पीएच में डाल देंगे माइनस ऑफ लॉग H+ का टोटल कॉन्सेंट्रेशन विच इज दिस। तो ये वाली इक्वेशन आप ए को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसा मैं बात कर रहा था, किस चीज़ को कब इग्नोर करना है, कब लेना है, कब किस चीज़ में कितना चेंज होएगा, वही सब हमको बस इस चैप्टर में ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 मोलर से कम दे रखी है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, ऐसे केस में आपको क्या कंसीडर करना है, ऐसे केस में कंसीडर करना पड़ेगा कि जो वाटर है वो भी क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। अगला केस लेते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा दे रखी हो, जैसे ये तो बहुत कम वाला केस था। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा दे रखी है, 10 टू द पावर -2 मोलर HCl। अब इधर देखिए अगर आप H+ निकालने जाएंगे एन सी अल्फा से, तो एन इज 1, कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 2, अल्फा इज 1, तो ये 10 टू द पावर 2। अब अगर इसके लिए पीएच निकालते हैं तो माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर 2 विच इज -2। तो पीएच अपना भैया 0 से ही कम आ गया। तो अब ऐसे में रोल आता है एक फ्यूगेसिटी कांस्टेंट का, क्या नाम है कांस्टेंट का, फ्यूगेसिटी कांस्टेंट, फुग्गा मत बोल देना, फ्यूगेसिटी कांस्टेंट, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा जो पीएच का फॉर्मूला है उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू फ्यूगेसिटी कॉन्स्टेंट। और ये फ्यूगेसिटी कॉन्स्टेंट यहाँ लगाने का रीज़न सिर्फ एक है कि हमारा पीएच कहाँ पे आ रहा है, -2, और हम क्या कोशिश करेंगे कि इट शुड टेंड्स टूवर्ड्स 0, ठीक है। तो देखिए कभी भी इतना पीएच आपका कम आ रहा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या मार्क कराओ, 0। तो ये जो फ्यूगेसिटी कॉन्स्टेंट है ये एक वेरिएबल है जो हमारी इस वैल्यू को किसके एक्यूरेट करने की कोशिश करेगा, 0 के एक्यूरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बात हुई अभी हमारी पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की।
अब हम आगे बढ़ते हैं और पीएच ऑफ वीक एसिड की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ और केस टू लेते हैं अब अपना, सेकेंड केस, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किसके, पीएच ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वीक एसिड मान लेता हूँ जिसकी मोलैरिटी मुझे कैपिटल सी दे रखी होगी। तो वीक एसिड इस तरीके से डिसोसिएट कर रहा है अपना, एच प्लस ए माइनस, इसके लिए जो के लिखेंगे उसको मैं के ए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि टी इक्वल्स टू जीरो पे दिस इज सी, तो ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ तो दिस इज सी वन माइनस अल्फा, तो ये बना होगा सी अल्फा और ये सी अल्फा। इसके लिए अगर हम के ए लिखते हैं तो के ए क्या हो जाएगा, के ए विल बी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, अपॉन सी वन माइनस अल्फा, एक सी कैंसिल हुआ। अब अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, क्योंकि ये वीक एसिड लेकर चल रहे हैं हम, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ से हमारा के कितना आ गया, सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर से फिर मैं अल्फा को नेगलेक्ट कर दूंगा। तो इधर से मेरा जो अल्फा आ रहा है दैट इज रूट के बाय सी, पहला एक्सप्रेशन, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब अल्फा अगर मेरे पास आ गया तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी अंडर रूट के ए बाय सी। तो इधर से जो मेरा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आता है वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। तो ये दो एक्सप्रेशन निकल कर आते हैं हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब हमने जैसे ओसवाल लॉ में बात करी थी कि लेस देन वन का क्या मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तभी एप्लीकेबल है व्हेन योर अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.1। अच्छे से ध्यान रखें इसको। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कब हमको अल्फा को डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट करना है और कब नहीं करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमेशा यूज़ करो। अगर अल्फा लेस देन या बराबर 0.1 के आ गया तो तुम अल्फा को डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा करने से जो हमारी रिएक्शन है वो बहुत छोटी हो जाती है, फिर हमको उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, कभी तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आयोनिक इक्विलिब्रियम के, तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व कि के ए और के बी जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है दैट इज ऑलवेज फॉर दी वीक एंटिटी। लेट से कोई वीक एसिड है तो जो के होगा उसका वो मुझे दे रखा होगा, कोई वीक बेस है तो उसका के भी मुझे दे रखा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि के और के बी कौन से एसिड का होगा, हमेशा वीक के लिए ही दे रखा होगा। जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड पीएच ऑफ 10^-6 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन गिवन गिवन है हमको कि के जो है दैट इज 1.8 × 10^-5। जनरली यही रहता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, रफ में एक बारी फटाफट अल्फा निकाल लो। अल्फा इज के बाय सी, तो के तुमको दे रखा है 1.8 × 10^-5, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10^-6, इसका अंडर रूट। तो ये जो अल्फा आएगा मेरा, ये तो ऊपर जाके भैया बहुत बड़ा हो गया, ये 4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इससे तुमको क्या पता चला, हमको अल्फा नेगलेक्ट नहीं करना। अब अल्फा नेगलेक्ट नहीं करना है तो फिर तुम अपने बेसिक मेथड से आगे प्रोसीड करो। रिएक्शन लिखो, CH3COOH, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, CH3CO- प्लस एच प्लस, टी इक्वल्स टू जीरो पे ये सी है, ये जीरो, ये जीरो, तो टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे वैल्यू दे रखी है, मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा, सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ये हो गया इसका वैल्यू। इसके लिए अगर अब मैं के ए का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सी और सी को कैंसिल करके, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1.8 × 10^-5 इक्वल्स टू 10^-6 अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, फिर पूछा तो पीएच है, पीएच हो गया माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज सी अल्फा, तो माइनस लॉग सी अल्फा यहाँ पे लिख देना। सी की वैल्यू हमको पता है, सी इज 10^-6,
और अल्फा यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, वो इधर सब्स्टिट्यूट करा, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हमेशा रफ में अल्फा की वैल्यू चेक कर लो, अगर अल्फा तुम्हारा 0.1 के बराबर या उससे कम आ रहा है तो उसको नेगलेक्ट करो डिनोमिनेटर में से, डायरेक्टली सवाल हो जाएगा, और अगर कम नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में फिर क्या करना है तुमको, जो नॉर्मल अप्रोच है उसी से प्रोसीड करना होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से ही उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस में कई बार ही नहीं होता है कि एक ही फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, या तुम उसको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है प्रूव डैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या हमारा अल्फा, प्रूव डैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब जिसका एन फैक्टर 1 हो, अ मोनोबेसिक वीक एसिड, मान लो तुमको एसिड भी दे रखा है, एच ए इज गिवन बाय, अभी हमको प्रूव करना है कि अल्फा का एक्सप्रेशन ये भी आ सकता है, 1 + 10 पी के, या एक्सपोनेंट में है पी के और पी एच 10 के एक्सपोनेंट में, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वो ऑप्शन के साथ भी बना सकता है, एडवांस में भी बना सकता है कि अल्फा लिखा है और अल्फा को लिखने के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। तो अब जरा देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला पता है। देखो 10 का एक्सपोनेंट दिख रहा है, ठीक है, और अल्फा भी दिख रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना हम सवाल को पी एच से स्टार्ट करें, पी एच क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ठीक अंडर रूट के डॉट सी, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। ये अगर आप पीछे घुमाकर देखेंगे तो अभी हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यही आया था, ऑसवाल लॉस है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारा पी एच है, तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10 to the, ठीक है। अब देखो यहाँ फंस जाओगे, अब इसके आगे क्या करना है, कैसे आगे प्रोसीड करें, ठीक है, तो देखिए अब क्या करिए, जब एसिड दे रखा है तो उसकी रिएक्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एच प्लस प्लस ए माइनस, मैं डायरेक्टली इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूँ अब, तो वो कितना हो जाएगा, सी 1 - अल्फा, ये सी अल्फा और ये सी अल्फा, ठीक है, ऐसा अगर मैं करता हूँ और इसके लिए अब के लिखता हूँ तो के कितना आ जाएगा इसका, देखिए सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन सी 1 - अल्फा, कोई तकलीफ इसमें। यहाँ पे जो सी अल्फा है हमारा, वो सी अल्फा क्या है, सी अल्फा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 - अल्फा, सी से सी यहाँ पे कैंसिल हो गया अपना, तो इधर से क्या आया, देखिए 1 - अल्फा मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन के, ठीक है, अब इधर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर मैंने लॉग लिया तो दोनों तरफ लॉग लेने पे ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 - अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू लॉग ऑफ एच प्लस, और डिनोमिनेटर में है तो माइनस लॉग के, ठीक है, लॉग एच प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी एच लिख सकते हैं, पी एच इज माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया पी के, तो देखो जो टर्म चाहिए थी हमको 10 के एक्सपोनेंट में वो बनती हुई दिख गई है, थोड़ा सा तमीज से लिख लो इसको, तो log 1 - अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी के माइनस पी एच, ये लिखा जा सकता है आसानी से, ऐसा अगर हम लिख सकते हैं तो इसको फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1 - अल्फा, बेस चेंज कर देते हैं, सॉरी मतलब एक्सपोनेंट में ले गया मैं उसको, पी के माइनस पी एच लॉग बेस 10 है, ठीक है, यहाँ से क्या ये लिखा जा सकता है, अगर अल्फा से डिवाइड करो 1 अपॉन अल्फा - 1, ठीक है, इस तरीके से 1 अपॉन अल्फा - 1 इक्वल्स टू 10 पी के माइनस पी एच, ये लिखा जा सकता है, तो 1 उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 + 10 पी के माइनस पी एच, अब क्या करना बचा है, बस रेसिप्रोकल, और हमारा
जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो देखिए ये तरीके हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो फाइनल रिजल्ट है उसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और अब हम मिक्सचर्स पे चलेंगे। मान लीजिए दो वीक एसिड को मिक्स कर दिया तो पीएच कैसे निकालेंगे, तीन को कर दिया तो कैसे निकालेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पर। थैंक यू।